श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। आज मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लाई हूँ, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेहूं निकाल रहे थे, जो हाथों से कटाई किया था उसी को ये निकाला है मशीन से। और इस तरह कैसे भी गेहूं को रेडी करते हैं, इस तरह कैसे भी हार्वेस्टिंग होती है। जो किसान हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमें चारा चाहिए था, भूसा चाहिए था जानवरों के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा भी किया क्योंकि हमारा बहुत सारा गेहूं था। तो जो हार्वेस्टिंग के आसान था वो हार्वेस्टिंग कर लिया बहुत सारा, और जो जितना भूसा हम लोगों को चाहिए था जानवरों के लिए उतना हमने इस मशीन से निकाला। और ये देखो, इसमें भी बहुत अच्छे से गेहूं निकलते हैं। और अभी ये काम भी खत्म हो गया, और अभी ये भूसा है ये स्टोर करना है। और सभी अभी रेस्ट करने के लिए रुके हैं क्योंकि इसकी भनभन भी बहुत थी, आवाज था बहुत सारी। आपने देखा ना कौन क्या बात कर रहा है, किसी से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और बहुत सारा आवाज था यहाँ पे। बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारा भूसा निकला है। अभी ये ट्रैक्टर से लेकर एक इकट्ठा करेंगे ताकि इसे अभी बारिश के दिन शुरू होने से पहले ये सब काम निपटाने होते हैं। और ये बहुत सारा, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश होने वाली है, पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बन गया है। लेकिन यहाँ पे रात में थोड़े थोड़े और सुबह सुबह बारिश की बूंदे भी गिर रही है। और ये पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पे जो आराम से बैठे, मतलब समझ में भी नहीं आता कि यहाँ पे समर स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती, ठंडी ठंडी छाव है। और यहाँ पे जानवरों को भी बांधा है ताकि वो भी अच्छे से खाए। और हम लोग यहाँ पे सब काम खत्म करके अभी थोड़ा रुके थे क्योंकि बहुत सारा कब से चल रहा था ये सब, तो अभी फिनिश हो गया ये। और हमने थोड़ा इसलिए दिखाया क्योंकि इसमें बहुत सारा वॉइस और होता है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा ही दिखाया बस। और फिर ये अभी सब रिलैक्स हो गए क्योंकि फटाफट से हो गया अभी ये। तो अभी हम घर के लिए निकल रहे थे क्योंकि हमने ये ट्रैक्टर में भर के
हमारा थोड़ा था तो वहाँ पे लेके गए थे। तो अभी और तो फिर यहाँ पर ये ट्रैक्टर से भूसा आ गया यहाँ पे। और अभी हमने इसके नीचे तुअर का डाला है, उसके ऊपर हमने इसमें ज्वारी का डाला है, और अभी ये गेहूं का डाल रहे ताकि, क्योंकि अभी समर है तो अभी ये गेहूं का भूसा भी खा लेते हैं आराम से। लेकिन जब बारिश के दिनों और वो सब, मतलब तब बहुत हरा चारा आता है ना सब जगह, तो ये भूसा खाने में जानवर बहुत नखरे करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम इनको गेहूं का भूसा खिलाते हैं और इसमें नमक डालते हैं ताकि वो खाने में उनको स्वादिष्ट लगे और ये फटाफट से खा ले, वेस्ट नहीं जाए। इसीलिए हम लोग इसमें नमक मिलाकर खिलाते हैं। और इसको स्टोरेज कर रहे हैं हम अभी, क्योंकि ये ऐसे पड़ा रहा और बारिश आ गई तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा इसीलिए। और इतना ये ट्रैक्टर से ऊपर किया तो पूरा नीचे गिर सकता है, लेकिन फिर हमें भरने में दिक्कत आएगी, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें निकाल रहे थे। अभी भाई ट्रैक्टर फिर से स्टार्ट किया और थोड़ा सा उसे निकला और अभी फिर रुकेगा, क्योंकि इसमें एक साथ नीचे नहीं गिराना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। क्योंकि ये पूरा आ गया तो फिर हमें हाथों से भरना पड़ेगा इसे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम वो प्लास्टिक पे ले रहे हैं और उसको डाल रहे हैं उधर, क्योंकि ऐसे करने से हम लोगों का ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। और अभी इतना काफ़ी हो चुका है, अभी भाई भी आ गया, अभी हम योगेश और मैं इसे उठा के उसमें डाल दूँगी। हमने वो तैयार किया है और इसमें हमने नमक भी मिलाते जा रहे थे और यहाँ पे डालते जा रहे थे, और एक का काम नहीं होता है, दोनों मिलके डालते हैं। और हमने इसे पतरा से ढक लिया है, अच्छे से तैयार किया है ताकि इसे बारिश से सेफ रहे इसीलिए। और अभी इसी तरीके से हम उसे पूरा निकाल कर वहाँ पर भरेंगे और उसे थोड़ा सा धक्का लगा कर उसे गिरा लेते हैं ताकि वो थोड़ा थोड़ा आ जाए हमारे पास। और ये पूरा एक साथ नीचे गिरा है तो फिर हाथों से, और ये चुभता है हाथों को, पता है आपको, क्योंकि इसमें वो गेहूं के तेज धारदार होते हैं। और फिर बहुत सारा धूल भी उड़ रही थी यहाँ पर तो अभी, और ये हम बहुत धूप हो गई है तो अभी ये काम शाम के टाइम ही होता है। और अभी बज रहे हैं यहाँ पे 6:15 और इस टाइम पे ये काम करना अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा मौसम होता है, ठंडा टाइम होता है तो। और धूप में तो अभी 9-10 बजे ही गांव में बहुत तेज़ धूप लगती है। आप लोगों को सिटी में इतना जल्दी समझ में नहीं आता होगा, लेकिन गांव में सूरज 7 बजे से ही धूप छोड़ना स्टार्ट करता है और बहुत अच्छी सी धूप भी आती है। लेकिन अभी ये धूप कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है इसीलिए अच्छी नहीं लगती, तब काम करो तो बहुत पसीना गर्मी लगती है, इसीलिए ठंडे टाइम में हम ये काम करते हैं। और अभी इसे सब नीचे खिसका के वो थोड़ा थोड़ा करके फिर डाल देते इसमें, और इसमें नमक भी मिला रहे हैं ताकि वो मज़े से खाए। और उसे देखो आप थोड़ा सा धक्का लगाए कि वो पूरे पहाड़ जैसा गिरने लगता ऐसे दिखता है। और नमक का पैकेट फोड़ कर इसमें नमक भी डालेंगे अभी, और पिछले सब में भी डाला हुआ है, और थोड़ा थोड़ा फिर इधर से डालते फिर उधर से भी डाल देते ताकि वो सब जगह पे फैल जाए अच्छे से। और इसी तरीके से हम पूरा स्टोर करके इसे पैक करेंगे फिर। आज इतना ही बहुत हो गया काम, क्योंकि सुबह हम वो लेके आए थे और फिर इसको अभी लास्ट तक डाल देंगे पूरा, और फिर इसे अच्छे से ऊपर से भी पतरा लगा के पूरा ढकेंगे, बस इतनी जगह रखेंगे कि वो वहाँ से भूसा निकाल पाए। और फिर पूरा भूसा हम इसी में स्टोर करेंगे अभी लास्ट वाला भी, और सब भूसा हमने यहाँ पे डाल दिया। अभी इसको लेवल करेंगे और कल और दूसरे दिन हमने यहाँ पे ये भूसे को अच्छे से पैक करना है अभी, और ये भी काम हम दोनों ने किया था। और फिर यहाँ पे हमने पहले से ये ऐसी लकड़ी डाल दी है जहाँ पे वो बल्ली की तरह काम करेगी, और जो पत्रे हैं हमारे ये भूसे के लिए ही है, और इसको हम अच्छे से
एक लेवल कर देंगे इस दतारा से, और फिर लेवल होने के बाद इसको ढककर अच्छे से पैक करके रखेंगे ताकि कितनी भी बारिश या बहुत सारी हवा क्यों ना चले, हमारा भूसा बिल्कुल भी सेफ रहे। और इसे बस भूसा निकालने के लिए जगह रखेंगे और उसे भी पूरा अच्छे तरीके से पैक कर देंगे। और फिर हमने उसी की तैयारी की और इसे अच्छे से एक लेवल बना दिया। और अभी इसके ऊपर हम पत्रे डाल देंगे एक एक करके और फिर हमारा भूसा स्टोर हो जाएगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि गेहूँ हार्वेस्टिंग किया आपने और भूसे का नुकसान कर दिया और अभी आप जानवरों को क्या खिलाओगे। लेकिन हम लोगों को भी बहुत फिक्र होती है हमारे जानवर की, और उनको रोज़ाना दो चार टाइम अलग अलग तरीके से खाना डालना होता है, तो उसके लिए तो सोचना पड़ता है। हम जैसे कि हम लोग घर में हर महीने का किराना भरते हैं, उसी तरीके से हम हमारे जानवरों के लिए साल भर का इकट्ठा भरते हैं। और हर महीने दो तीन महीने में हम मक्का डालते रहते, एक मक्का खाने के लिए आ जाए तो दूसरी डाल देते हैं, क्योंकि जब तक ये निकल जाए तब तक दूसरी आ जाए। इसी तरीके से हमारा चलता रहता है, क्योंकि ये हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उनके खाने का, और वो बता नहीं सकते, बेजुबान होते हैं बेचारे, तो उनके खाने का हमारे खाने से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और अभी हमने एक पत्ता उठा के यहाँ पे लगा दिया और इसके ऊपर अभी दूसरा डालेंगे। और ये भूसा है तो जो बहुत सारा आँखों में भी जा रहा था, हवा भी चल रही थी, तो अभी ये तो सही से लग गया। अभी दूसरा डालेंगे यहाँ पर और इसी तरीके से पूरा पैक करना है बस इसे। और ये पत्रा बहुत संभाल कर उठाना होता है क्योंकि ये हाथ में लग जाते हैं, लेकिन अभी ये पुराने हो गए तो इतने भी तेज नहीं रहे हैं, बस हमारा काम करते हैं। और इसको भी हमने सही तरीके से लगा दिया, ऐसे कर करके एक एक उठा के सबको सही लगाना है बस। नहीं, यही खा लीजिए ना। दोनों नाले जास्त झाले इकडे, दोन नाले मैं आज इकडे आहे बस। मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा था पास से कि मैंने सही लगाया, फिर पापा ने बताया कि दो ही नाले में डालना है, चार में हो गया, तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको और सरकाया और अभी दूसरा पत्थर। लेकिन ये यहाँ पे फटा हुआ है तो उसको हमने पलटी मार के रखा और अभी इसको भी लगा देंगे इसमें। और जो फटा है उसमें से पानी अंदर ना जाए इसलिए उसको हमने साइड में रखा, और फिर उसके ऊपर और एक डाल देंगे ताकि जो वहाँ पे फट गया मतलब टूटा हुआ है उससे अंदर पानी ना जाए इसमें। तो फिर उसको दूसरे को उसके ऊपर डालेंगे तो पानी नहीं जाएगा फिर अंदर, क्योंकि इसमें पानी गया तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बोलते हैं ना कि लेना कौन सी भी चीज़ लेना बहुत आसान होता है, उसे संभाल के रखना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और यदि आप हम संभालेंगे नहीं तो वो लाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और अभी हम इसको भी यही पर लगा दे रहे और अभी हमारे पत्थर लगाने का काम पूरा हो जाएगा। अभी इसको भी हमने यहाँ पर सेट कर दिया, ये पत्रे हमने लगा तो दिए लेकिन ये हवा आने से तुरंत उड़ जा सकते, हवा इसे अपने साथ उठा के ले जा सकते, इसीलिए उसे और प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर उसे भारी सामान उस पर ऊपर रखना होगा ताकि ये कितनी भी तेज हवा आए तो ये उड़कर जाए नहीं। तो उसका भी बंदोबस्त है हमारे पास भूसे के साथ। ये ज्वारी का चारा भी हमने देखो कितने सही से रखा है यहाँ पे, और यदि बारिश भी आए तो ये गीला नहीं होगा क्योंकि हमने नीचे से पानी नहीं जाएगा उसके नीचे भी हमने लकड़ी से किया हुआ है, वो ऊपर ही ऊपर है और इसे ढक देंगे फिर ऊपर से तो। और ये अभी ये बड़े बड़े लकड़ी है जो उनके ऊपर हम डाल देंगे तो ये, लेकिन ये बहुत भारी है मुझे हटे नहीं देते। तो फिर हम लोगों ने उसे बड़ी साइड वाले से भाई आ गए और छोटी साइड मुझे दे दी ताकि मैं उसे ऊपर तक उठा पाऊँ।
त्याला याच्यावर घ्या जसं खालटी इकलं बाई सगळं फिरून घ्या त्याला लाकडाला. मुझे और मेरे भाई को दिखाई नहीं दे रहा था ये कहाँ पे है, क्योंकि हम पास थे और पापा थोड़े दूर से थे, तो उन्होंने बताया कि और थोड़ा उसे पीछे ले लो तो फिर वो सही हो जाएगा. फिर हमने दोनों ने फिर उसे उठा के फिर वो हाथ से घुमाया, और ये बहुत आसान नहीं होता है जितना आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत भारी है और हाइट भी ज़्यादा है इसकी, तो हाथ नहीं आता हो दिक्कत हो जाती. फिर और फिर उसके ऊपर और भी कुछ डालना है, और ये बड़े बड़े ये सामने हो गए, अभी पीछे भी डालना होगा. तो इसी तरीके से हम चारों ओर इस पे ऊपर रख देंगे ताकि ये बहुत सेफ रहे, और इसको हवा कितनी भी तेज हो तो इसे कोई नुकसान ना पहुँचाए. और मेरे उससे ऊपर नहीं जा रहा था तो फिर भाई ने हेल्प करी और फिर उसको डाल दिया ऊपर. और ये बहुत दिनों से पड़े थे तो यहाँ पे इसमें बिच्छू निकलने का डर भी होता है, इसीलिए उसको हमने पहले नीचे अपटाया और फिर जाके उठाया ताकि वो निकल जाए जो भी हो. अभी इसको भी ऊपर डालेंगे पीछे से. और ये पीछे से डालना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम बोलते हैं ना कि हिम्मत लगाओ तो हर काम हम कर सकते हैं. फिर हमने डाल दिया इसको भी ऊपर. बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि ये ऊपर आखिरकार गया हमसे. ये बहुत हार्ड था पीछे से डालना, आगे से तो बिल्कुल आसान था क्योंकि वहाँ पे जगह सही थी. बहुत खुशी हो रही थी. ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे.